नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी टेक फॉर लाइफ में। आज हम बात करेंगे हमारी किसान से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण खबर के बारे में। खबर है सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में एक केस जो चल रहा था जीएम यानी कि जीनेटिकली मॉडिफाइड बीज को लेकर, उसी केस की, उसी मैटर की आखिरी जो हियरिंग हुई वो हुई 18 जनवरी 2024 यानी कि पिछले 4 दिन पहले। अदालत ने अपना जो निर्णय है, अपना जो फैसला है वो तय कर लिया, किंतु उसे सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको रिजर्व रखा गया है, कुछ दिनों के बाद सार्वजनिक होगा। किंतु जो ये खबर है, ये खबर हमारी इंतजारी के अंत की शुरुआत है। कुछ सालों से, कुछ वर्षों से, जब से ये जीनेटिक मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी से बीज निर्माण होने की शुरुआत हुई है, उसी साल से लेकर आज तक हम सभी किसान हमारी ज्यादातर फसलों के लिए जीएम बीज की अपेक्षा में बैठे थे। वैसे तो एक बीज जो कॉटन बीज है वो बीटी के नाम से हम प्रयोग करते हैं, उसे 2002 से हमारे देश में उपयोग करने की अनुमति मिल गई थी, किंतु बाद में बाकी के जो सीड्स हैं, जो बीज है, जो हमारे पाक पैदावार की प्राथमिकता है, उसका फाउंडेशन है, उसमें भी ऐसा बदलाव आए। ये हमारी किसानों की जो अपेक्षा थी, उसी अपेक्षा पर अब ज्यादा दिन हमें इंतजार नहीं करना है। पर्यावरण के लिए काम करने वाले जो लोग हैं देश में, उसका कहना था कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जो है उसके आने से पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सामने हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमारा किसान समुदाय, साथ में सरकार भी ये सोचती है कि जेनेटिक मॉडिफाइड बीज अगर भारत के किसान के हाथ में हो तो कुछ चीजें ऐसी भी है जिसमें आज हम दुनिया में तीजे, चौथे या पांचवें क्रम पर है, वहीं से दौड़कर पहले क्रम पर आ जाएंगे। और उसमें सबसे ज्यादा, सबसे जरूरी और सबसे व्यापक जो पाक पैदावार है वो है हमारी तिलहनी पैदावार। देखते हैं आगे तिलहनी पैदावार में कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आने वाली है। हमारे देश में जो तिलहनी पैदावार है जिससे खाद्य तेल निकाला जाता है, और हमारे देश में जिसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है, उसमें 4-5 ऐसी तिलहने हैं जो हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर बोई जाती है, उत्पन्न की जाती है, जिसमें एक है सरसों, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है सोयाबीन, चौथा है सूरजमुखी और पांचवा है तिल। इन सभी चीजों से जो तेल निकाला जाता है, उसी तेल पर हमारे देश के हर घर की रसोई बनती है। किंतु हमारे देश में हाल में जितना भी उत्पन्न होता है तिलहनी चीजों का और उससे जो तेल मिलता है हमें,
खुराकी तेल, वो हमारी जो जरूरत है, जो हमारी राष्ट्रीय जरूरत है, उसके मुकाबले केवल आधा ही मिलता है, आधे में भी कम मिलता है। ऐसा समझ लो कि 45% 47% इतना ही तेल हमारे देश की अपनी पैदावार से हमें मिलता है, बाकी जो है वो 55% तक हम दुनिया के दूसरे देशों से उसको यहाँ लाते हैं, उसका हम आयात करते हैं, और हम 55% से भी ज़्यादा आयाती खाद्य तेलों के ऊपर निर्भर है। और ये जो निर्भरता है, ये निर्भरता बाहरी देशों पर जो है, उस निर्भरता से हम बच सकते हैं अगर नई किस्म के जीनेटिक मॉडिफाइड बीज अगर हमें सरसों, सोयाबीन, सूर्यमुखी और मूंगफली ये सभी में मिल जाते तो अचूक हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उससे पैदावार बढ़ने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है, और हमारी किसानी में हमारा परिश्रम बहुत कम होने वाला है, हमारा खर्च भी बहुत कम होने वाला है, क्योंकि ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड बीज है उससे जो पौधा मिलता है उस पौधे में कुछ ऐसे रोग है जो दाखिल ही नहीं हो सकते, और उसकी वजह से हमें पाक सुरक्षा के लिए जो खर्च करना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ेगी। और फिर ये जो माहौल बनना है, उस माहौल के साथ कौन कौन सी बातें जुड़ी हैं, चलिए देखते हैं उसे भी। इसके साथ पर्यावरण को लेकर जो चर्चाएं होती है, जो अभिप्राय अलग अलग संगठनों के जरिए रखा जाता है, उस सभी का कहना यह है कि अगर हमारे देश में तिलहनों के बीज, जीनेटिक मॉडिफाइड किए हुए बीज अगर प्रयोग में लिए जाने लगेंगे, तो हम जो खाद्य तेल का प्रयोग करते हैं वो नेचुरली नहीं रहेगा, वो कुदरती नहीं रहेगा। किंतु उसके साथ जुड़ी हुई एक जो सच्चाई है, वो सच्चाई को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या सच्चाई है वो? वो सच्चाई ये है कि हम दुनिया के अलग अलग देशों से जो खाद्य तेल आयात करते हैं, वो जहां पर पैदा होता है उस देश के लोग, उस प्रदेश के लोग ज्यादा से ज्यादातर ये जीएम बीज ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, ये सब जो देश है, ये हमें सोयाबीन का जो तेल है उसका निर्यात करते हैं। किंतु वे तो सभी लोग जीनेटिक मॉडिफाइड बीज से ही अपनी पैदावार लेते हैं, और उस पैदावार से बना हुआ तेल ही हम भारत में बैठे बैठे खाते हैं। वैसा ही सूरजमुखी का भी है, वैसा भी मूंगफली का भी है। तो जो आयात हम कर रहे हैं, वो तेल जो है, वो तेल तो जीनेटिक मॉडिफाइड बीज से ही बना है, तो क्यों ना हम अपने ही देश में इसको स्वीकार करें और जीएम बीज से तैयार हुए पौधों से हमारी खेती को आगे बढ़ाएं और हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारी आत्मनिर्भरता को भी आगे बढ़ाएं। क्यों हम 55% तक खाने का तेल बाहर से मंगवाते रहे? जल्द से जल्द देश इस मुद्दे पर आत्मनिर्भर हो और हम किसानों का श्रम कम हो, हम किसानों का किसानी खर्च कम हो, वो दिन हमारे लिए, किसानों के लिए और देश के लिए अच्छा दिन होगा।
जय हिंद, जय भारत।